हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। होम लोन एक ऐसी चीज़ है जो हर एक को लाइफ में एक बार तो करनी ही पड़ती है, और होम लोन के बगैर आप अपना खुद का घर भी नहीं ले सकते। इसीलिए होम लोन तो हम सब लेते हैं, लेकिन होम लोन लेने के बाद जो ज़्यादा हम इतना इंटरेस्ट पे करते हैं, तो लगभग बहुत सारे अमाउंट हमको एक्स्ट्रा की पे करनी होती है इंटरेस्ट के बतौर। तो इसको कम करने के लिए या फिर वो इंटरेस्ट कैसे आप प्री पेमेंट करके कम कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप प्री पेमेंट नहीं करते तो आपको कितना इंटरेस्ट कितने सालों के लिए लगता है, और उसके बाद देखेंगे कि अगर आप उसमें अगर साल के बाद, दो साल के बाद, हर साल दो साल के बाद इसे प्री पेमेंट करते हो, तो आपको वहाँ पे कितने साल का टेन्योर कम हो के कितना लोन का बेनिफिट, अमाउंट का बेनिफिट पे करने का आपको मिल सकता है। होम लोन एक ऐसी चीज़ है जिसका जो ईएमआई है वो आपका मंथली सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है। आपके सैलरी में से लगभग 40-50% अमाउंट आपका होम लोन का ईएमआई पे करने में जाती है। तो जब भी आप इतनी बड़ी अमाउंट यहाँ पे करते हो, तो बाकी के फाइनेंशियल गोल कंप्लीट करने के लिए आपके पास कम पैसे बचते हैं। तो इसी के लिए अगर इसमें से ही आप कुछ ऐसी चीज़ें करके, जैसे कि प्री पेमेंट हो या अगर कुछ चीज़ आप क्या क्या कर सकते हो, ऐसी चीज़ें करके अगर आप अपने 8-10 लाख भी बचाते हो, तो आपके दो और दूसरे कोई गोल से उसको भी आप अचीव कर सकते हो। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल के साथ देखेंगे कि आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आपका 7% के हिसाब से 20 साल के लिए अगर आप लोन लेते हो, तो 20 ईयर्स के लिए अगर आपका लोन 30 लाख रुपीज़ का आपने लिया है, तो 7% के हिसाब से 20 साल का जो इंटरेस्ट है वो 25,82,200 रुपीज़ है। यानी कि आप जो टोटल अमाउंट यहाँ पे कर रहे हो, अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट होम लोन का 30 लाख है, तो टोटल आप पे कर रहे हो 55,82,200 रुपीज़ 7% के हिसाब से। जैसे परसेंटेज बढ़ेगा या अमाउंट भी बढ़ेगा। 40 लाख के लिए आपका इंटरेस्ट हो रहा है 34,42,800 रुपीज़, तो आप जो टोटल अमाउंट पे कर रहे हो 74,42,800 रुपीज़। 50 लाख के लिए आपकी जो इंटरेस्ट है 7%, उसके हिसाब से जो टोटल अमाउंट बन रहे हैं इंटरेस्ट की, वो 43,03,500 है। तो टोटल अगर आप इंटरेस्ट पर प्रिंसिपल पे करते हो तो 93 लाख रुपीज़, लगभग 2 times आपको यहाँ पे करना पड़ रहा है। और 60 लाख का अगर आप लोन लेते हो, तो यहाँ पे आपको 1,11,64,000 रुपीज़, यानी कि लगभग 51,64,000 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा के लोन का अमाउंट छोड़ के, एक्स्ट्रा की इंटरेस्ट के बतौर पे कर रहे हो। तो ये सारी अगर आप हम अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक केस हमने लिया है कि आपने 30 लाख का लोन लिया है, 7% का इंटरेस्ट रेट है, और आपका अगर टेन्योर 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है और 30 साल का है, तो यहाँ पे आपका जो होम लोन है 30 लाख का, उसके ऊपर कितने परसेंटेज का आपका इंटरेस्ट बैठ रहा है। यानी कि 30 लाख का लोन लेते हो तो 10 साल के टेन्योर के लिए आप एक्स्ट्रा के 39.33% पे करते हो, यानी कि एक्स्ट्रा के आपको 11,80,000 यानी पे कर रहे हैं, यानी कि 30 + 11 यानी कि 41,80,000 आप पे कर रहे हो। उसी हिसाब से अगर देखा जाए 15 ईयर्स का अगर आप लोन लेते हो, 7% के हिसाब से आपको 61.79% यहाँ पे एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। 20 साल का लोन लेते हो तो आप 86% यहाँ पे एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, यानी कि लगभग 25,82,000 एक्स्ट्रा। और 25 ईयर्स का लोन लेते हो तो आप यहाँ पे 112% यानी कि 112% एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। और अगर आप 30 साल का लोन लेते हो तो आप 139.5% एक्स्ट्रा का यहाँ पे कर रहे हो, यानी कि लगभग 30 लाख का लोन लिया था, 41 लाख का आपका यहाँ पे जो है इंटरेस्ट बैठ रहा है, तो लगभग आप 30 लाख के लिए 71 लाख रुपीज़ यहाँ पे आप पे कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ऐसे हम चीज़ें आप कोई भी किसी भी तरह का लोन लो, यानी कि 30 लाख का लो, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 7% के हिसाब से अगर देखते हो तो 10 ईयर्स के लिए 39.3% लगेगा एक्स्ट्रा, 15 ईयर्स के लिए 61.79, 20 ईयर्स के लिए 86%,
25 के लिए 112 एंड 30 इयर्स के लिए 139% यहाँ पे कर रहे हो। तो अगर आप 40 लाख का लोन लेते हो और 25 इयर्स का टेन्योर रखते हो तो लगभग एक्स्ट्रा आपको 44.81 लाख रुपीस पे करना पड़ते हैं। तो लगभग आप यहाँ पे 84 लाख रुपीस 40 लाख के लिए टोटल पे कर रहे हो। तो इसी हिसाब से आप कितने भी सारे अमाउंट का लोन लीजिएगा, अगर 7% का इंटरेस्ट है तो इसी रेट पे आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा का अमाउंट एज ए इंटरेस्ट पे करना होगा। तो यहाँ पे अगर इसमें से अगर आप मान लेते हैं कि 30 साल का 40 लाख के लिए है, 55 लाख अगर आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, उसमें से आपके अगर 10-12 लाख भी बचते हैं तो भी आपकी एक खुद की गाड़ी भी आ सकती है, या फिर आप दूसरे भी जो भी आपके बच्चों का यहाँ पे एजुकेशन से उसके भी आप यहाँ पे कुछ चीज़ कर सकते हो। तो इसे सेव करने के लिए हमको क्या करना हो, तो यहाँ पे कुछ टिप्स है, जैसे कि ट्राई टू पे वन मोर EMI पर ईयर। अगर आपका EMI 25 to 30,000 है तो ट्राई करो कि आप एक्स्ट्रा का एक EMI यहाँ पे कर रहे हो। और दूसरी एक चीज़ है कि हर साल हमारी जो सैलरी है वो बढ़ती रहती है लगभग 5% 10%। अगर आप IT सेक्टर में तो ज़्यादा बढ़ते हैं, स्विच करते हो तो 30-40% बढ़ती है। तो लेकिन यहाँ पे अगर आपकी नॉर्मल तरीके से भी सैलरी बढ़ रही है तो आपका जो EMI है उसके 4-8% आप यहाँ पे हाफ ऑफ द टेन्योर के लिए भी यहाँ पे अगर आप बढ़ाते हो तो भी आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। हाफ ऑफ द टेन्योर इसलिए लखा है यहाँ पे क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो इंटरेस्ट है वो आपको पहले 5-10 साल में ही निकल जाता है, उसके बाद आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ज़्यादातर कम होने के लगता है। इसीलिए जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसी समय अगर आप ज़्यादा का इंटरेस्ट बचाते हो तो आपको फ़ायदा हो सकता है। तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हो, या तो हर साल EMI भी बढ़ा सकते हो और एक्स्ट्रा का एक EMI उसके ऊपर भी पे कर सकते हो, तो दोनों का आपको फायदा मिल जाएगा। और दूसरी एक बात है कि अगर आप किसी बैंक से लोन लिया है जहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा है और दूसरी बैंक अगर आपको लोअर रेट पे यहाँ पे लोन ऑफर कर रही है तो आप लोन को ट्रांसफ़र करके लोएस्ट इंटरेस्ट रेट को जा सकते हैं। तो एक बात है कि ट्राई टू प्रीपे मैक्सिमम अमाउंट इन इनिशियल 5 ईयर्स। पहले 5 साल का अगर आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट का EMI आप देखते हो तो आपके लगभग जितना आपने लोन लिया है उतनी अमाउंट चली जाती है, और लेकिन उसमें से सिर्फ 10-15% ही आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है और बाकी का सारा जो 70-80% है वो आपका इंटरेस्ट के बतौर जाता है। इसीलिए अगर पहले 5 साल में आप प्री पेमेंट करते हो तो आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो किस तरीके से मिल सकता है अगर यहाँ पे हम देखेंगे, अगर आपका यहाँ पे हमने देखा कि 40 लाख का लोन है, 20 साल का टेन्योर है तो इंटरेस्ट 34 लाख से, टोटल पेमेंट 74 लाख कर रहे हो विदाउट एनी प्री पेमेंट, आप 74,42,000 पे कर रहे हो। लेकिन अगर आप हर एक साल के बाद हर साल 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्री पेमेंट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे टोटल जो आपका अमाउंट था 74 लाख उसमें से 8,14,000 रुपीज़ आप यहाँ पे बचा सकते हो, और जो आपका टेन्योर है वो भी 50 मंथ से कम होगा, यानी कि लगभग 4 साल से आपका टेन्योर लोन का कम होगा और साथ ही साथ आपके 8.14 लाख रुपीज़ भी बचेंगे। अगर आपके आपने हर साल 1 लाख रुपीज़ का भी अगर प्री पेमेंट करते हो तो यहाँ पे हम आपके जो है वो 12,94,000 रुपीज़ बच रहे हैं और लगभग 84 मंथ्स यानी कि 7 साल का आपका टेन्योर यहाँ पे कम हो रहा है। इसीलिए आपका इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का प्री पेमेंट करो, यानी कि अगर 2 लाख का करते हो तो 10 साल आपके कम हो रहे और 18 लाख रुपीज़ आपके 74 लाख में से कम हो रहे, तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट आपकी सेव हो रही है। तो आपका डिपेंड्स है कि आपके पास कितने पैसे बच रहे हैं, उसमें से आप साल में 50,000 कर सकते हैं, 1 लाख कर सकते हैं, 2 लाख कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन कुछ भी करते हो तो लगभग 8 लाख से लेकर 18 लाख तक का आपका सेविंग यहाँ पे 50,000 से 2 लाख के प्री पेमेंट के ऊपर हो रहा है। अगर आपके पास हर साल पैसे नहीं बच रहे और आप 3 साल के बाद एक ही बार अगर 3 लाख का भी अगर आपने प्री पेमेंट किया, उसका भी एक केस यहाँ पे मैंने स्टडी के लिए आपको दिया है कि आपको हर साल नहीं कर रहे लेकिन पहले पाँच साल के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्री पेमेंट करना चाहते हो और 3 साल के बाद आपने 3 लाख रुपीज़ पे किए तो लगभग आपके 29 मंथ्स का यहाँ पे टेन्योर कम होता है और 6 लाख रुपीज़ का आपका सेविंग होता है। यानी कि अगर एक ही बार में भी आप 3 लाख रुपीज़ भी एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो भी आपका इंटरेस्ट मिला के लगभग 6 लाख रुपीज़ सेव हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको अगर आप अगर अपना
कैलकुलेशन करते हो और आप इसी उसी हिसाब से उसको प्री पेमेंट का आप डेट फिक्स करते हो और उसी हिसाब से आप पे करते हो, तो लगभग आपसे 8 लाख से लेकर 18 लाख रुपीस बच जाएंगे। उसमें आप अपने अदर फाइनेंशियल गोल्स को यहाँ पे टारगेट करके कंप्लीट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ आइडिया आया होगा प्री पेमेंट के थ्रू आप अपना पैसा कैसे बचाते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।